राजस्थान से राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी का ऐलान। राजेंद्र गहलोत होंगे भाजपा से राज्यसभा उम्मीदवार। माली समाज के बड़े नेता माने जाते हैं गहलोत, तो संघ में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता हैं गहलोत। आपको बता दें राजस्थान से राजेंद्र गहलोत होंगे उम्मीदवार भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा। जोधपुर के सरदारपुरा से ताल्लुक रखते हैं गहलोत। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र गहलोत और राजस्थान से राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी का ऐलान। राजेंद्र गहलोत होंगे उम्मीदवार। माली समाज के बड़े नेता माने जाते हैं राजेंद्र गहलोत। संघ में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता हैं राजेंद्र गहलोत। जोधपुर के सरदारपुरा से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं राजेंद्र गहलोत। राजस्थान से राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी का ऐलान। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और संघ में अच्छी पकड़ भी क्योंकि राजेंद्र गहलोत रखते हैं, तो एक नई बात ये सामने। देखिए मनीषा, आज जो राज्यसभा के नाम की जो घोषणा हुई है राजेंद्र गहलोत के नाम की, वो कहीं ना कहीं इनके जो संगठन का कामकाज है उसका कहीं ना कहीं इनाम इनको यहाँ पर दिया गया है। पिछले काफी दिनों से लगातार ये संगठन के लिए काम कर रहे थे। अभी हाल ही में जो संगठन के चुनाव हुए थे उनमें इनको प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो संगठन के चुनाव संपन्न करवाए थे वो कहीं ना कहीं उसका इनाम इनको यहाँ पर मिला है। और दूसरा कारण एक और है, जब मदन लाल सैनी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी उसके बाद में कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं माली समाज को यहाँ पर एक बार फिर मौका दिया गया है, जो और क्योंकि कहीं ना कहीं जो माली समाज ने जो लोकसभा में जो वोट दिए थे बीजेपी को, और सबसे बड़ी बात की आरएसएस में इनकी अच्छी पकड़ है संगठन के कामकाज में। बिल्कुल, ये सकारात्मक यहाँ पर चीज ये एक सामने आई। बिल्कुल, देखिए लगातार जो इनकी संगठन के लिए जो काम कर रहे थे उनको इनाम मिली है और तीन सीटों पर प्रदेश में चुनाव होने, जिस पर एक सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है क्योंकि एक पर ही इनका सदस्य बनना तय है, बाकी दो पर कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस के दो चुनकर जाएंगे। लेकिन जो लगातार ये संगठन के लिए काम करे, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में और जोधपुर से आते हैं, माली समाज के बड़े नेता है, पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष भी है और चुनाव भी इन्होंने जो संगठन के संपन्न करवाए थे बहुत ही सही तरीके से, तो वो इनाम आज राजेंद्र गहलोत को मिला है और उनके नाम की यहाँ पर घोषणा हुई है। कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और उनके इस घोषणा से आम कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी की लहर है। जी मनीषा जी, अब बिल्कुल पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, राजेंद्र गहलोत भाजपा से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे और माली समाज के बड़े नेता माने जाते हैं राजेंद्र गहलोत। संघ में भी अच्छी पकड़ रखने वाले नेता हैं गहलोत और जोधपुर के सरदारपुरा से ताल्लुक रखते हैं गहलोत। राजस्थान से राजेंद्र गहलोत होंगे उम्मीदवार, भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा।